प्यारे बच्चों, आइए अब हम जौहर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जौहर मादे का वो मुहिन तरीन ज़र्रा होता है जो नाकाबिल तकसीम होता है, यानी ये मादे का इतना छोटा ज़र्रा होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तकसीम नहीं कर सकते, इसे जौहर कहते हैं। आइए जौहर की साख के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। जौहर के दरमियानी हिस्से में मरकज़ा पाया जाता है और इस मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़र्रात बुनियादी ज़र्रात कहलाते हैं। मरकज़े के बैरूनी हिस्से में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं और मरकज़े में मुस्बत बारदार प्रोटॉन और गैर बारदार न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। दी गई शक्ल का बगौर मुशाहदा कीजिए। जौहर की बनावट इसके निस्क उतर के मुताबिक होती है, यानी जैसे जैसे निस्क उतर बढ़ता जाता है जौहर की बनावट भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं या उनकी तादाद में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे निस्कुतर में भी तब्दीली होती जाती है। अलहदा जौहर में जौहर का निस्कुतर जौहर के मरकज़े और इंतहाई बैरूनी मदार के दरमियान का फासला होता है। जौहरी निस्कुतर जो है वो जौहर के मरकज़े और जो बैरूनी मदार है, जो आखिरी मदार है, उसके दरमियान जो फासला होता है उसे जौहर का निस्कुतर कहते हैं। जौहर के निस्कुतर की पैमाइश नैनोमीटर में की जाती है, यानी जो जौहर है उसका जो निस्कुतर है वो कैसे तय होता है, जौहर के मरकज़े से लेकर जौहर के बैरूनी मदार का जो दरमियानी फासला है उसे जौहर का निस्कुतर कहते हैं।